तुमने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया? बताया क्यों नहीं? मैं तो आराम करने के लिए बैठी हूँ। इतना गर्मी लग रहा है आज, बाप रे बाप, थक जा रही हूँ, बहुत गर्मी है। और अब सब लोग क्या कर रहे हैं? दुर्गा पूजा का तैयारी हो गया क्या? मैं तो कुछ नहीं किया ये सब, लेकिन किया है। पार्थों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे इतना सारा साड़ियाँ कहाँ से आया। वो हम आप लोगों के साथ बाद में दिखाएंगे, अभी अकेले में अभी नहीं। तो इस बार मैंने दुर्गा पूजा में क्या लिया पता है? आप लोगों को दिखाती हूँ। वो है, देखिए नीचे रखा हुआ है, ये है 5 किलो के डंबल, और ये है 2.5 के डंबल। अभी जिम नहीं जा रही हूँ, इसलिए घर पे इसका इंतजाम करना पड़ रहा है। तो कल से पूरा जोरों शोरों से वर्कआउट चालू करना है। डंबल जो आया है, पैसा वसूल करना है ना, तो उसके पहले आज के दिन थोड़ा सा खा ही लेते हैं। कल से कुछ नहीं, कल से डाइट पे रहेंगे। डेली सोचते हैं आज नहीं खाएंगे, आज से डाइट करेंगे, लेकिन डेली डेली करते करते डेली कुछ ना कुछ चीट हो ही जा रहा है। तो आज के दिन पराठा और चिकन तो खा ही लेते हैं। तो डाउट हो रहा है कि ये जो डंबल है ये 2.5 kg का है कि नहीं है, इसलिए वेट मशीन के ऊपर खुद भी चढ़ गया और डंबल दोनों लेके, मतलब अभी दोनों मिला के 5 kg का तो हो गया। अब देखो तुम्हारा वेट कहाँ गया, 81.6। देखा, 2.5 kg का ये है और वो 5 kg का है। तो आज का दिन में मैं आराम से चिकन और पराठा खा के फिर कल से मैं वेट लॉस में लग जाऊंगी। अभी आज हम चिकन बना रहे हैं थोड़ा दूसरे तरीके से। तो ये आज हम मस्टर्ड के साथ बनाएंगे चिकन। तो फिर शुरू करते हैं। पहले मैं कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और फिर इसमें मस्टर्ड सीड, डाल दिया। और मैंने यहाँ पे जो है प्याज और लाल मिर्च दोनों को मैं अच्छा से पीस के मैंने रख लिया। और यहाँ पे मैंने व्हाइट मस्टर्ड एंड ब्लैक मस्टर्ड जो सीड्स है इसको मैं पानी में भिगो के रखी हूँ, इसको भी हमको पीसना है। और चिकन है ही यहाँ पे लगभग 750 ग्राम्स चिकन है, हरी मिर्च और धनिया पत्ता, और यहाँ पे है अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक तो है ही, और लाल मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले मैं प्याज को डाल रही हूँ। प्याज भून रहा है तब तक मैं यहाँ पे ये जो मस्टर्ड सीड्स है इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। मस्टर्ड पेस्ट बन चुका है, यहाँ पे बन गया। और फिर अभी मैं प्याज अच्छे से भून गया, और फिर मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं डाल रही हूँ। अभी मैं चिकन को डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से भून लेंगे।
भुन चुका है। अभी मैं यहाँ पे हल्दी, ये भी पिसा हुआ हल्दी है, ये मैं डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर। चिकन फ्राई हो गया, बहुत ही अच्छा, एकदम लवली कलर आया, दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और ये जो मस्टर्ड पेस्ट मैं पीस के रख लिया था, इसको मैं डाल दूंगी। आप लोग भी ये बनाइए और इस रेसिपी को एंजॉय भी कीजिए, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और इसमें और कुछ नहीं पड़ेगा, बाकी सब मैं डाल दिया। अभी मैं गैस को सीम करके इसको मैं ढक देती हूँ। अभी चिकन ने तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा, अभी ये रिड्यूस होंगे तब तक मैं इधर सलाद बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पत्ते गोभी ले लिया और एक स्लाइसर ले लिया और इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। आप लोग हाथ से भी काट सकते हैं बट मैं स्लाइसर यूज़ कर रही हूँ। खाना भी टेस्टी लेकिन कम समय में। हो गया, आप देख रहे हैं कितना एकदम बारीकी से इसने काट दिया, स्लाइसर की मदद से मैंने काट लिया। और ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं इसको हम हटा देते हैं। अब मैं प्याज को भी स्लाइसर से मदद से काट लूँगी। मैं अभी हरी मिर्च को भी एकदम पतले बारीक से चॉप कर लेती हूँ। सलाद बनाने के लिए मैंने जो ये गोभी और ये ऑनियन जो पतला करके काट लिया था, मैं इसमें धनिया पत्ता और हरी मिर्च मिक्स कर रही हूँ और साथ में चाट मसाला लाल मिर्च का पाउडर और नमक। और नींबू का रस, लेमन। और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो सलाद रेडी हो गया
बहुत ही टेस्टी बना। अभी जो पानी था चिकन का वो रिड्यूस हो गया, तो अभी मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और ऊपर से धनिया पत्ता। बस गैस बंद कर देते हैं और ये जो बोलता है ना स्टैंडिंग टाइम, तो इसी में कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। फटाफट आ जाओ, खाना ठंडा हो जा रहा है। मैंने पराठा और चिकन बना दिया, तो खा के बताओ। सलाद मुझे ये सलाद बहुत ही पसंद है, खट्टा थोड़ा तीखा, तीखा। सही में मतलब जाना जा लग गया। जबरदस्त भूख लगा, बहुत देर से बोल रही है मुझे भूख लग गया, भूख लग गया। खा के बताओ कैसा बना। और मेरा प्लेट किधर है? ये किसका प्लेट है? ये नीचे वाला। I like it। मुझ तो रहा नहीं जा रहा है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। Now I am not concentrating on camera, I am concentrating on food only। मैं तो कभी कैमरा पे कंसंट्रेट नहीं करती खाना आने पे। खाने आने पे कोई नहीं कंसंट्रेट करते हैं, अगर अच्छा तो बोलना ही है, नहीं तो कल से खाना तो घर का खाना बंद और बाहर तो बंद हो ही चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी कारण से आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड गुड नाइट।